आज की इनजस्टिस की वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ। एक चैप्टर क्यों कवर कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये आगे वाली स्टोरी से और पीछे वाली स्टोरी से थोड़ी सी डिफरेंट है। इस स्टोरी में हमें फ्लैश का बताया गया है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इनजस्टिस 2 में फ्लैश को नहीं देखा, तो हमें इस इशू में आइडिया होगा कि वो क्या कर रहा है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वक्त में एक कदम आगे, पहले दायां पैर फिर बायां पैर, और ये वो अल्फाज थे जो बैरी एलन तपती हुई धूप में एक सुनसान सड़क पे सूरज के सामने एक भारी सा बैग उठाए हुए जाते हुए सोच रहा था। वो सोचता है, मेरा नाम बैरी एलन है और मैं दुनिया का सबसे तेज तरीन आदमी हूँ, और ये मेरे लिए जलालत है। बैरी एलन अभी उसी रोड पर मौजूद है जहाँ पर वो भागने के लिए आया करता था, और साथ में अगर उसे कोई परेशानी होती थी तो वो उसे सोचा करता था। मगर अब वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसे अलाव नहीं है, उसके पैर में एक ट्रैकर लगा हुआ है। मगर अब वो सिर्फ सोच सकता है, और वो उसी लंबे से रोड पर चलता हुआ जा रहा है, और वो उसी लड़के के बारे में सोचता है जिसको ऑस्ट्रेलिया में ईयर वन में, अगर आपको याद हो, वंडर वुमन और सुपरमैन ने मिलकर मारा था और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और फ्लैश वहाँ खड़ा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो उस वक्त वंडर वुमन और सुपरमैन के साथ था। और आज उसे उस बात का पछतावा है कि वो कितना गलत था। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसके सामने एक ट्रक आ जाता है, और उसका ड्राइवर उसको बचाने के लिए वो ट्रक को साइड पर करने की कोशिश करता है, मगर ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक नीचे गिर जाता है। बैरी सोचता है, मैं जानता हूँ कि वो मुझे मॉनिटर कर रहा है और मुझे भागना अलाव नहीं, मगर मैं अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। और वो अपना बैग छोड़कर वहाँ से भागता है और ट्रक के अंदर से जाकर उस ड्राइवर को बाहर निकाल लाता है और उसकी ज़िंदगी बचा लेता है। और तभी बैरी के पाँव में लगे हुए ट्रैकर से आवाज़ आने लगती है, दीट 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 दीट, और बैरी का फ़ोन बजने लगता है, और वो कॉल बैटमैन की थी, और वो उससे पूछता है, बैरी क्या कर रहे हो तुम? बैरी जवाब देता है, क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? बैटमैन कहता है, मेरी नजर हर वक्त तुम पे है, तुम जो भी कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, तुम्हें मना किया गया था ना भागने से। बैरी जवाब देता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं किसी आदमी को अपने सामने मरने दूँ? तो बैटमैन कहता है, बस बस बातें मत सुनाओ मुझे, और आइंदा के बाद ख्याल रखना। इसके बाद बैरी उसी लड़के के घर में जाता है जिसकी हड्डी टूटी थी, और दरवाजा नॉक करता है तो उसकी माँ के पूछती है, जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो वो उसके बेटे का पूछता है, तो उसकी माँ उसे अंदर आने का कहती है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे व्हीलचेयर पड़ी हुई नजर आती है। उसकी माँ बताती है, डॉक्टर्स तो कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, मगर वो खुद ही उठने को तैयार नहीं है क्योंकि उस दिन सिर्फ उसकी हड्डी नहीं हौसला भी टूट गया था। तो बैरी उसके पास अंदर कमरे में जाता है और वो मुँह टेढ़ा करके पूछता है, तुम कौन हो? तो बैरी जवाब देता है, मेरा नाम बैरी एलन है और मैं फ्लैश हूँ। तो वो ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। तो बैरी जवाब देता है, मैं गैलेक्सी से यानी तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारी तरह बहादुर और अकलमंद नहीं था, मैं बेवकूफ़ और पुजदिल था। अगर मैं बहादुर होता तो मैं तुम्हें उस दिन बचा पाता, और यहाँ पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भी आया हूँ। और वो उसको बेड से उठवाता है और एक्सरसाइज करने के लिए लेके जाता है और कहता है, एक वक्त में एक कदम, पहले दाहिना पैर आगे फिर बायां पैर आगे। और यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।